आज अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर पहुंचे एक महापंचायत की है। जयंत जी आपका स्वागत है न्यूज 24 के साथ। आज आप शामली में महापंचायत करने पहुंचे हैं, युवाओं को संदेश देने पहुंचे हैं। आखिर जो ये योजना लाई गई है इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी से पूछ के योजना लाए नहीं, व्यवहारिक योजना नहीं है और सेना की कमर तोड़ देगी ये योजना। ये सिर्फ जो है एक निजीकरण के दौर पे जिस तरह से हर सरकारी उपक्रम को सरकार बेच रही है, अब सरकार शायद आर्मी को भी बेचने जा रही है। 4 साल में ना तो उन बच्चों को ट्रेनिंग मिल पाएगी, ना ही जो हमारे उनका जो स्तर है सेवा का वो मैच कर पाएंगे। और दो धड़े हो जाएंगे सेना में, एक वो होंगे जो पुरानी पक्की भर्ती है, एक अग्निवीर होंगे जो टेम्परेरी वाले होंगे। अच्छा, अग्निवीर और जो लड़ाई कौन लड़ेगा? टेम्परेरी वाले लड़ेंगे क्या? अगर लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, अभी जो आप बता रहे थे टेम्परेरी हैं और 4 साल के पुराने हैं, नए हैं, आप उनकी शादी ब्याह की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये गाँव की बात है, गाँव के किस्से होते हैं। मुझे या गाँव के बुजुर्गों ने आकर बताया कि ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि नौकरी एक सामाजिक सुरक्षा का एक प्रतीक होता है। जिसकी नौकरी लग जाती है ये माना जाता है कि उसका घर संवर गया है। सिर्फ खेती से गुजारा नहीं हो रहा, गाँव में भी जो रह रहे हैं परिवार, हर घर में अगर संपन्नता आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे यही कहानी है कि कोई सरकारी नौकरी मिली हो। अच्छा जैन जी, अभी आपने कमेंट भी किया था कि इन युवाओं की शादी नहीं होगी, लेकिन जो वो है मोदी योगी पे भी आप कमेंट किया कि उनकी खुद की शादी नहीं हुई है, इनकी भी शादी नहीं होने देंगे। हाँ, मैंने नाम तो नहीं लिया लेकिन आप इशारा समझ गए। इशारा समझ गए ना। अच्छा जैन जी, एक आखिरी सवाल, आप युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अग्निवीरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपने भी कभी आर्मी की भर्ती के लिए कदम उठाया था? नहीं, मेरी ओवर एज हो गई है। वैसे मेरे परिवार में मेरे भाई हैं एयरफोर्स में रह चुके हैं, मेरे फूफा जी रह चुके हैं मेजर जनरल संधू जी, और चौधरी चरण सिंह जी शायद ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके घर के परिवार के कई सदस्य आर्मी में थे। और बल्कि हमारे घर के पुराने पूर्वजों में सुभाष जी के फौज में भी भर्ती थे, तो वो परंपरा हमारे क्षेत्र की है, वही हमारे परिवार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जी जी, देखिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने तो खैर भर्ती की तैयारी नहीं की लेकिन इनके परिवार के सभी लोग आर्मी में रहे हैं। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24।